सोनिया नागिन को देखती है तो सीडर पर सोनिया ये सोचती है ये बच्चा है क्या है, कभी आयशा हमारे साथ फ्लर्ट कर रहा है, कभी अमर खान को नागिन बना रहा है, क्या सोचता है। पर इन द एंड में हूं तो बच्चा ना को भूख लगती है तो वो फीडर पी ले। ये याद रहे कि बच्चा कॉलेज में था। इतना भी छोटा गोद वाला बच्चा नहीं था सोनिया। तुमने इसको कॉलेज के बच्चे फीडर नहीं पी सकते? अरे कौन से भाइयों के बच्चे नहीं पी सकते? अच्छा नहीं लेकिन फिर भी है तो बच्चा ना। चलो 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 कहानी को छोटा रखूंगी ना मैं, इतना बड़ा करूंगी तो फिर कहानी दी एंड पे चली गई हो उधर। तुम को दूध पिलाना वो साइकोपैथ बच्चा होता है सोनिया, वो अभी तक फीडर पीता है। फीडर पी के फीडर पी के उसके दिमाग में आता है कि अब मुझे कॉल करनी चाहिए निदा यासिर को। कि जल्दी तुम्हारी कहानी खत्म सोनिया। ये कहानी निदा यासिर को फोन करके कहता है कि फीडर पी के ही क्यों मेरे दिमाग में है, फीडर में ऐसा क्या है कि मुझे निदा यासिर को कॉल करनी चाहिए। तुमने उसको मशवरा दिया था? मेरे ख्याल फीडर में निदा यासिर का नंबर था। क्या कहानी, फीडर में निदा यासिर का नंबर मौजूद था। यस मैं अपने मैजिक इयर्स बैक वापस पहन ली, नंबर लिखा हुआ। निदा यासिर के पास वो पहुंच जाता है। हां पहुंच जाता है फीडर लेके। अब वो बेचारा कॉलेज से निकाला गया है, ठीक है। उसके बाद आयशा ने भी उसे ये पकड़ा दिया, चिटाई ले ली। तो अब उसके पास कुछ नहीं है जब दुनिया में करने को, तो उसने आके मुझसे मदद मांगी। मैंने कहा आ जा बेटा बैठ। मैंने उसे मौका दिया कि ये लो माइक, दिखाओ टैलेंट, गाते हो। जब उसने गाना शुरू किया तो निकला वो बेसुरा। मैंने उससे माइक छीन लिया। मैंने कहा बेटा तेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर निदा यासिर ने दिया उसे लिपस्टिक। मैंने कहा चल बेटा ये रही सोनिया खान, मेकअप करो उसके ऊपर। तो अब सोनिया खान के ऊपर तो कोई भी मेकअप करे वो तो अच्छा ही लगेगा। सोनिया हुसैन, आई एम सॉरी, फिक्शन में तो सोनिया खान, फिक्शन स्टोरी चल रही है, नाम लूंगी तो मसला हो जाएगा, फंस जाएंगे। वेयर इज योर डॉग? अब जो ये शक्ल है इतनी प्यारी है कि उसके ऊपर तो जो भी मेकअप करो अच्छा लग सकता है। सो यहाँ से उसकी जिंदगी की कहानी शुरू होती है। वो एक मशहूर मेकअप आर्टिस्ट बन जाता है और आके नबीला को टप टाइम देता है। अमेजिंग। उसका नाम और जैसे ही वो लड़का नबीला में आता है तो वो जो है ईद शो में आ जाता है हम टीवी के, और वहां पे वो यासिर हुसैन का मेकअप करता है। राइट। और जैसे ही उनका मेकअप कंप्लीट होता है तो अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं और शो शुरू हो जाता है, कहानी खत्म हो जाती है। बहुत ही अच्छा, आपने लड़के की तरबियत ऐसी की माशाल्लाह कि बगैर पढ़े वो लड़का लाखों करोड़ों कमा रहा है। उस लड़के को एक फूल मारा जाए। माशाल्लाह ऐसे राइटर्स हो, ऐसी राइटर्स हो तो खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि टीवी की रेटिंग जो है छत फाड़ के बाहर चल जाए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर तो लाख दे अच्छे जो चल रहा है, अगर सही है ना, हाँ, अगर मुझसे कम से कम मारे तो नहीं पड़ रही लोगों, एडवेंचरस जर्नी थी अहमद, कम से कम सेम स्टोरी लाइंस तो नहीं है सारे ड्रामों की। अगर मुझसे पूछा जाए तो सबसे अच्छा जो थप्पड़ तो नहीं पड़ रहे, बच्चा कुछ डिफरेंट है जी। आयशा उमर की जो स्टोरी टेलिंग की जो ये टैलेंट है जो नया नया अभी अभी डिस्कवर हुआ है, आयशा हम उसके लिए जो है ना तालियां बजाते हैं। बिल्कुल मजाक नहीं था, आपने बहुत अच्छा जो उससे टाई लेके आपने उसको अपना प्रॉप दिया ना, ये मुझे अच्छा लगा। आपने कहा उसकी रात बन गई, लेकिन वो नागिन से मिला, फिर उससे मिला, फिर वो निदा से मिला, फिर वो पहुंच गया उसकी रात। मैं राइटर बता रहा हूं कि जैसे वो मैंने आपकी गाड़ी के पास उसको छोड़ा ना, तो आपने जो रियलिज्म वहां पे लाई ना कि वो बजाता है तो आप कहती मुझे टाई नहीं खरीदनी। बहुत अच्छा था कि मुझे टाई नहीं खरीदनी, बेचने आया हो। लेकिन ये वाकई बहुत क्या पता चोरी करने आया हो, मुझे तो ये लगा ना, नहीं बेटा नहीं, तो ये भी बड़ा अच्छा। लेकिन जो कहानी अमर खान ने सुनाई हमें नागिन हसीना, वो कहानी चाहिए हमें हाईएस्ट रेटेड ड्रामा के लिए। अगर वो हॉरर की तरफ जाए, फैंटेसी नहीं यार, फैंटेसी वर्ल्ड में चलेगी ये कहानी। इट्स अ और दुनिया की शॉर्टेस्ट स्टोरी जो है वो सोनिया हुसैन ने। कॉलेज जाते अहमद को जो फीडर दिया सोनिया हुसैन ने, मुझे क्या पता कॉलेज अहमद को याद रहेगा लाइफ टाइम। एकदम ही लड़का बड़ा हुआ और निदा के यासिर के शो में पहुंच गया। हां जी 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 जी। लेकिन बहुत ही अच्छा ये मुझे सेशन लगा स्टोरी टेलिंग का। इसके आइडियाज मिले आपको? बहुत बहुत आइडियाज मिल गए हैं मुझे। और इस पे चले जाना सफा लाहौर से इस्लामाबाद। क्या चले जाओ। और अब वक्त आ गया है आप लोगों से अलविदा कहने का। हालांकि बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, बहुत मजा आया मुझे आप लोगों के साथ ईद गुजार के। आई होप आप लोगों को भी इस शो में आके बहुत मजा आया होगा। आपके चेहरों से तो लग रहा है कि आपको बहुत मजा आया। और अब वक्त आ गया है कि जाते जाते हम आज का विनर भी अनाउंस कर दें। वैसे तो बहुत क्लियर विनर है यहाँ पे, आई एम द विनर, लेकिन फिर भी हम इन लड़कियों में से किसी एक को विनर बनाएंगे और उस विनर को मिलेगा ये गिफ्ट हैम्पर। तो ये मिलेगा हमारी विनर को, और हमारी आज की विनर है आयशा उमर। आयशा
आइए और ये दीजिए। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको ये हैम्पर पाके या जीत के? नहीं नहीं, ये आपके लिए जाएगा और बाकी लोग भी खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपके साथ भी इजाजत नहीं जाएंगे आप लोगों के घर तक। वो विनर कैसे मिला? हैम्पर तो ये तो फैमिली है मेरी। देखिए इनके साथ हैम्पर जा रहे हैं, आपसे इजाजत नहीं खुद जा रहे हैं और क्या चाहिए आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों के साथ भी गिफ्ट हैम्पर जाएंगे। अब मैं जाऊंगा आयशा, मिनट टू फेम जो हमने एक वॉल बनाई है इस पे आप जाएंगी और जाके अपने फैंस के लिए एक मैसेज देंगी और